नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीआई किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल और मैं घनश्याम चौरसिया आज आपके लिए टिंडे की एक बहुत ही शानदार और यूनिक रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों यदि ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये हमने 300 ग्राम टिंडा ले लिया है। दोस्तों ये टिंडा बहुत ही छोटा वाला है, बिल्कुल बहुत छोटा छोटा टिंडा है ये, और इसको हमने अच्छे से धो लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके जो डंठल वाला भाग काट करके फेंक देंगे और इस सामने जो फूल वाला भाग है इसे भी हम अलग कर देंगे। इस तरह से सभी टिंडों को हम साफ करके रख लेंगे, देखिए इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों ये छोटे टिंडे हैं और इनमें बीज वगैरह कुछ होता नहीं। आप चाहें तो इनका छिलका नहीं भी उतार सकते, लेकिन मैं इनका छिलका उतार लेता हूँ। तो लीजिए सभी टिंडों को हमने छिलके निकाल लिए हैं और इसके बाद एक फोक लेंगे और इस तरीके से हम इसमें से पिक करेंगे इस तरह से। तो सभी टिंडों को इस तरीके से आप अच्छे से इनमें छेद कर लीजिए, ताकि जब हम सब्जी बनाएंगे तो इसका जो मसाला है वहाँ से इसके अंदर अच्छे से चला जाए। तो लीजिए दोस्तों सभी इन टिंडों को इस तरीके से हमने पिक कर लिया है और ये दोस्तों हमने मसाले लिए हैं, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और हम बनाएंगे पहले पेस्ट। और लीजिए दोस्तों हमने पेस्ट भी बना के रख लिया है और अब हमने ले लिया है कुकर, और कुकर में हम डालते हैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप कोई भी सोयाबीन का तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म होता है हम उसमें एक तेजपान डाल देते हैं और साथ में कुछ खड़े गर्म मसाले हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। और जैसे ही मसाले चटकने लग जाते हैं थोड़ी देर उसे भून लेंगे मसालों को। इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग, 1/4 चम्मच से करीब हमने इसमें हींग भी डाल दिया है। और इसके बाद अब देखते हैं मसाले अच्छे से हमारे ये भुन गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट जो हमने बना के रख लिया था। और हरी मिर्च अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, हरी मिर्च हम बाद में डालेंगे। तो लीजिए अब अदरक, लहसुन और इस प्याज के पेस्ट को अच्छे से हमें भूनना है लगभग 5 से 6 मिनट के बाद। दोस्तों इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ पीसे हुए मसाले। तो 1 चम्मच करीब हमने लाल मिर्च डाल दी है और 1/2 चम्मच करीब हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसमें 1.5 चम्मच करीब हम डालने हैं धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब। अब हम इन सभी मसालों को मिक्स कर देते हैं, मिला लेते हैं और थोड़ी देर इसे भून लेंगे 2 या 3 मिनट तक इसे हम अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के हमें भूनना है क्योंकि इसमें हमने तेल थोड़ा कम इस्तेमाल किया है तो ये नीचे चिपकेगा। तो ये देखिए मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी, लेकिन जब हरी मिर्च डाली थी उस दौरान कैमरे का स्विच ऑन नहीं हो पाया था तो वो दृश्य सूट नहीं हो पाया। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो दोस्तों मैंने 1 टमाटर लिया था बड़े साइज का, उसका पेस्ट बना के इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर का पूरा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मसाला तेल छोड़ देगा, तब तक इसे हमें भूनना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, स्वाद अनुसार अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। और दोस्तों ये देखिए 5 मिनट के बाद मसाला इस तरह से भून कर तैयार हो चुका है, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और आपने देखा कि मसाले के ऊपर तेल आना शुरू हो गया था। तो हमारा मसाला लगभग भुनकर तैयार हो चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो इसे मैं ऐसे हाथों से क्रश करके इसमें डाल देता हूँ, उससे थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ जाएगा। और दोस्तों अब बारी आती है इसमें ये टिंडे डालने की। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से मिला लीजिएगा, 1 या 1.5 मिनट आप इसे अच्छे से मसाले के साथ भूनिएगा ताकि पूरा मसाला इनके ऊपर अच्छे से लिपट जाए।
इस तरीके से, और इस दौरान फ्रेम लो ही रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको इस तरीके से चलाते रहें, 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लीजिएगा। और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि हरा धनिया हम बाद में भी डालेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो पानी अब हम उतना इस्तेमाल करना है, हमको जिस तरह की ग्रेवी इसकी पसंद है उस तरह से उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे। तो चलिए, मैंने अभी तो थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे, तो अभी पानी इसमें थोड़ा कम है तो और हम डाल लेते हैं धीरे धीरे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह की जब ग्रेवी होना चाहिए तो इस थोड़ा सा पानी और मैं बढ़ा देता हूँ, तो ये जब अब उबलेगा थोड़ा पानी कम हो जाएगा। अब हम लगा देते हैं इस पर ढक्कन और सीटी लगा देते हैं, और अब हम 2 सीटी लेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे टिंडे की सब्ज़ी कैसे बनी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये शानदार टिंडे की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और 2 सीटी हमने ली है मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, सब्ज़ी एकदम ठंडी हो चुकी है। लीजिए दोस्तों, अब हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया, उसे कर दिया है मिक्स। और चलिए अब हम इसे सर्व हम करते हैं एक प्लेट में। तो देखिए कितने शानदार टिंडे की सब्ज़ी, जिसे टिंडा पसंद नहीं है वो भी इसे बिल्कुल खाएगा, और बहुत ही टेस्टी बनी ये सब्ज़ी आपके किचन में भी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए।